हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एग रोल की रेसिपी। और इस एग रोल को बनाने के लिए मैंने मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, साथ ही इसमें मैंने स्टफिंग करी है। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से लाइक कर लीजिए, फर्स्ट टाइम विजिटर है चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टफिंग में क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन कैप्सिकम मैंने फाइनली बिल्कुल लंबे स्लाइसेस में पतले बारीक कट कर लिए हैं, साथ ही कैरेट को भी सेम तरीके से मैंने कट कर लिया है। अनियन भी लंबे स्लाइसेस कट किए हैं और ये लेट्यूस है जिसे मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है, और साथ ही मैंने चॉप किया हुआ है ग्रीन कोरिएंडर। तो ग्रीन कोरिएंडर जो है ये जाने वाला है एग के अंदर और बाकी की चीज़ें स्टफिंग में जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चार एग लेकर उन्हें ब्रेक कर लिया है और इस चार एग से मेरे ऑलमोस्ट 5 to 6 जो हैं एग रोल बनने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रखिए। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइसी इसको बनाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, और उसके साथ ही यहाँ पर ग्रीन कोरिएंडर जाएगा और बाकी कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें आप इसमें अनियन ऐड कर सकते हैं, टमेटोज ऐड कर सकते हैं, आप कुछ अदर वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट क्योंकि मैं इसमें स्टफिंग फील करने वाली हूँ तो इसलिए मैं इसे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छे से हमने इसे फेंट लेना है। अब हम रेडी करेंगे अपने रोल के लिए डो। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया और गेहूं के आटे में मैं रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो 2 स्पून हमने ऐड करना है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है जब आप इस रोल को बनाते हैं। तो अच्छे से एक बार मिक्स करना है और उसके बाद हमने पानी डालकर अपना एक अच्छा सा डो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा डो जो है काफ़ी अच्छा से रेडी हो गया है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे और लोई बनाकर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो लोई आपने थोड़ी सी बड़ी लेनी है क्योंकि हम रोल बना रहे हैं। नॉर्मल जो हम चपाती के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज आपने लेना है, और इसको बिल्कुल पतला सा हमने बेल लेना है, जितना पतला आप बना सकते हैं। क्योंकि आपने मैदे की जो रोल होते हैं वो देखे होंगे, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो वैसा ही आपने इसे करना है और बड़े साइज में आपने इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये जो पैन है उसे गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। तो हमने जो रोल बेला हुआ था उसे हमने इसमें डाल लेना, और आप रोल का साइज़ देख सकते हैं पैन से थोड़ा सा छोटा है, आपने इतना ही इसे बेलना है। तो लो फ्लेम करके हमें इसे कुक करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। लो टू मीडियम आप कर सकते हैं, और जब इस तरीके से हल्का सा ही फूलने लगे उस स्टेज में समझ जाइए कि ये हो गया है कुक, और उस स्टेज में हमने इसे टर्न कर लेना है। और टर्न करने के बाद फ्लेम बिल्कुल आपका लो रहेगा क्योंकि अब हमने इसमें अपना जो एग है वो पोर करना है। तो फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा और एग लेकर एक बार हम उसे अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी हमने सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है वो नीचे बैठ जाता है। तो उसे एक बार फेंट लीजिए, उसके बाद हम इसे हल्के हल्का आपने डालना है थोड़ा थोड़ा करते हुए, और इसे इस तरीके से फैलाते जाना है। और अगर बाहर निकल जाता है बाय चांस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हल्का वो हम दोबारा से उसे अंदर ले सकते हैं। तो आप देख चारों तरफ इसके जो हेल्प से आपके चारों तरफ चपाती जो है, जो रोल है उसके चारों तरफ आपने अच्छे से प्रॉपरली इस रोल में काफ़ी अच्छे स्टिक हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, और फ्लेम का ध्यान रखिए, प्रोसेस आप होना चाहिए फ्लेम, और फ्लेम हाई होगा तो आप जो ट्राई कर रोल है वो नीचे से बर्न हो जाए तरफ। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम करके से करना है जिससे कि जो एग है वो स्टिक हो जाए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो अंदर एग है एग अच्छे से रोल में जो है स्टिक हो गया है, और अब ये एग बिल्कुल भी नहीं मूव होगा। सो इस स्टेज में आने के बाद हम डायरेक्टली अगर इसे टर्न करेंगे तो एग पूरा हमारे पैन में चिपक सकता है। तो आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है और प्लेट में इसे निकाल लेना है। उसके बाद वापस हमने पैन रखकर थोड़ा सा बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स हमने ऑयल की लेनी है, कुकिंग ऑयल, या आप बटर लेना चाहते हैं बटर ले लीजिए, और ब्रश की हेल्प से हमने इस पैन को ग्रीस कर लेना है। और ग्रीस करने के बाद हमने वापस जो एग साइड है, एग वाली साइड है, उस साइड हमने पैन में डाल देना है इस रोल को।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से हमने प्रेस करते हुए अब इसे कुक करना है और फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। और अब देखिए मेरा जो एग वाली साइड है वो कितने अच्छे से कुक हो गई है, बहुत अच्छे से कुक। तो हमने यही करना है, तो अच्छे से आपने इसे कुक कर लेना है दोनों साइड्स में, और जब ये कुक हो जाए उसमें हमें इसे निकाल लेना है। अब मैं आपको सेकेंड वन भी बनाकर दिखाती हूँ, और इसे आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको तरीका इसमें बताती हूँ। तो अगेन आप देख सकते हैं मैंने जो रोल है, जो चपाती है, उसे डाल लिया था, एक साइड मैंने अच्छे से कुक कर ली है। और जब ये अच्छे से आप देखें कुक हो गई है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली कुक हो गई है, तो हमने उस स्टेज में इसे निकाल लेना है, और इसको निकाल कर हम इसे साइड कर लेंगे। इसे साइड रखने के बाद हमने अगेन पैन में ऑयल डालना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इस स्टेज में कि मैं एग को पहले ही इस पैन में डाल रही हूँ, तो ग्रीसिंग अच्छे से कर ली है मैंने ऑयल से, और इसके बाद मैं जो एग है इसे मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं एग को, और हमने इसको अच्छे से जो है पैन उसमें स्प्रेड कर लेना है इस बैटर को एग के, और अच्छे से हम फैला लेंगे इसे, आप देख सकते हैं। और फैलाने के बाद अब मैं ये जो कुक्ड साइड थी इस रोल की, इस चपाती की, उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और थोड़ी देर हम इसे वही लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। उसके बाद मैं ड्रेसिंग भी हल्की ऑयल से मैंने कर ली है, और अब हम इसे आसानी से स्पैचुला इस तरीके से डालते हुए, आप देख सकते हैं आराम से ये मूव कर रहा है, और हम इसे टर्न कर लेंगे। सो ये सेकंड तरीका है इसे बनाने का। तो दोनों ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं, पहले एग डाल के फिर चपाती उसमें रखें, या फिर चपाती के ऊपर डायरेक्टली आप जो रोल है उसके ऊपर आप इस एग को पोर कर लीजिए। सो दोनों ही तरीके से काफ़ी अच्छे से ये बनता है। तो यहाँ पर मेरे दोनों रोल रेडी हो गए हैं, और आगे की प्रोसेस कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टफिंग के लिए आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने वेजिटेबल्स लिए हुए हैं, उसके साथ यहाँ पे मेयोनीज मैंने ली हुई है, जो वाइट मिलती है आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने वीवा की ली है, और साथ ही मैंने यहाँ पर टमेटो केचप जो होता है सॉस वो भी लिया हुआ है। तो एग के जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ गया, आप उसे इस तरीके से नाइफ से कट करके उसे अगेन आप इस रोल के अंदर ही डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने कर लिया है। अब हम स्टफिंग करेंगे, तो जितनी भी वेजिटेबल्स हमने कट करी थी उन सभी की हम स्टफिंग करके लेयर बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने अनियन डाला, देन ग्रीन कैप्सिकम, नाउ कैरेट, और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने जो सैलेड पत्ता है वो भी मैंने इसमें डाल लिया है, और अब मैं यहाँ पर मेयोनीज डाल रही हूँ। तो वाइट मेयोनीज मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड कर लिया, और साथ ही यहाँ पर टोमेटो केचप मैं डाल रही हूँ। तो ये तरीके से आप इस जो रोल है इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें मैदा यूज़ नहीं है, और सेकंड है इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स आप अपनी मनपसंद लेकर उसकी स्टफिंग कर सकते हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अब आपने इसका इस तरीके से रोल करना है, इसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लिया है जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले, तो फॉइल पेपर लेकर हम इसमें से रैप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसको रैप कर लीजिए, जिससे कि ये बाहर भी नहीं निकलेगा और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम इसे रैप कर लेंगे। सो गाइस, बनाइए इस हेल्दी से ब्रेकफास्ट की रेसिपी को, अपनी फैमिली को सर्व कर लीजिए एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया जल्दी से एक लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड फर्स्ट टाइम विजिटर है